नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी फूड क्रिएटर्स के अंदर। सो गाइस, हम लोग आज जिस वीडियो के रिगार्डिंग आए हैं यहाँ पर गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो खबर आई थी कि एक हॉस्पिटल है उसके अंदर एक कंपाउंडर काम करा करता था, जहाँ पर एक साइको कंपाउंडर, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, साइको कंपाउंडर, क्योंकि कंपाउंडर भी बहुत खतरनाक वाला रिएक्शन दिया था उसने वहां पर हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वहां पर वो जो भी सैंपल्स होते हैं रक्त के प्रयोगशाला के अंदर से गायब करा करता था गाइस, जो भी लेबोरेटरीज है वहां से वो गायब करा करता था, और वहां पर उनके साथ में कुछ ऐसी जादू टोने वाली चीजें करता था, काला जादू करता था कि पेशेंट के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अनोनी टाइप की चीजें होया करती थी उनके साथ में, कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बहुत अजीबोगरीब से रिएक्शन आते थे, आंखें फोड़ी जा रही है, हाथ पांव पे कील लगाई जा रही है गाइस, उसके ऊपर अलग अलग रिएक्शन हो जा रहे हैं कि किसी का हाथ दुख रहा है, किसी पीठ की रीढ़ की हड्डी में मतलब छेद टाइप हो चुका है, मतलब काला जादू करा जा रहा है उस गाइस उसके ऊपर, बहुत खतरनाक वाली न्यूज होती है। तो ब्लड सैंपल गायब होने हैं, और आज कल की तारीख के अंदर भी ब्लड सैंपल 3 गायब हुए गाइस वहां से, और जिनमें से 2 तो हॉस्पिटल के ही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब देखा, हॉस्पिटल वालों ने जब उसकी जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज जब देखा तो उसके बाद में वो पकड़ा गया है, और वहां से हॉस्पिटल से वो भाग चुका है, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब मैं पकड़ा गया तो मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि उसके बाद में तो वो सीधा जेल ही जाना है, तो वहां से वो भाग चुका है, और हॉस्पिटल वालों ने भी उसको निकाल दिया। लेकिन जब हमने लोकल यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनसे जब बात करी, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि हॉस्पिटल के बैक साइड के अंदर एक सूना सा एरिया है, एक मतलब आप झाड़ियों वाड़ियों या जंगल, थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया है, वहां उस जगह पर वो ऐसी चीजें करा करता था। तो हम लोग आज उसी के जगह पर आए हैं और वहां पे जांच पड़ताल करने के लिए कि यहाँ पर है या नहीं है, अगर वो इसी टाइप की चीजें यहाँ पर अभी भी कर रहा है तो यहाँ पर हो सकता है वो रक्त गायब हो। चलो दीपे थोड़ा आराम चल रहा है भैया, यहाँ पे काटे वटे बहुत जरूरी जाते हैं दीपे, पक्का ये लोकेशन है यहाँ की? हाँ, ये वैसे जो बताया ना अपन को कि यहाँ पर जो लोकल जो यहाँ रहते ना, जिसने उसको यहाँ पर लास्ट टाइम देखा था एंट्री करते हुए अंदर की तरफ में, उसने मुझे बताया था, लेकिन उसकी खोज करना काफी मुश्किल हो सकता है, एरिया काफी बड़ा ही है। अरे भाई बड़ा तो है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन कोशिश तो करें। काटू को ध्यान रखना, काटू नीचे ध्यान रखना पे, क्योंकि काटे ना बहुत ज्यादा तीखे तीखे हैं इधर की तरफ, ये तो चीटी का घर है। हाँ भैया, ये तो चीटी का घर है यहाँ पर, चीटी का घर है। हाँ भैया, चीटी का घर है, ये देख के चलना। हाँ क्या हुआ? अरे लाइट ऑन कर ये कौन जा रहा है? लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, कंपाउंडर ही लग रहा है, वो कंपाउंडर पक्का कंपाउंडर है वो, क्योंकि भैया व्हाइट कलर का ना उसने वो पहन रखा था, एप्रन पहन रखा था व्हाइट कलर का, ये देखो रक्त रक्त से भरी रुई जो है पूरी पूरी रक्त से भरी हुई, भैया इंजेक्शन भी लगा हुआ है, सैंपल ये देखो, वो देखो उधर भी सैंपल पड़ा हुआ, वो देखो पास मत जाओ। अरे अपन देख रहे खाली, वो करता क्या वो देखो बस, अपन को इसको ना रंगिया तो पकड़ना, नाइट मोड
लाइट कम कर, लाइट कम। काला जादू कर रहा है लेकिन अपन को बिल्कुल चुपचाप से साइलेंट रहना, अपन साइड में कहीं ना कहीं छुप जाते थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ओपन उसकी एक्टिविटी देखते हैं। मैं बोला वो है ना सही में पागल है, क्योंकि अगर पागल नहीं होता तो उसको अपनी आवाज आ जाती है। या तो शायद वो सुन नहीं सकता है, तो सकता है पागल हो गया वो कुछ लगा नहीं गया काला जादू भैया। या तो एक काला जादू के ध्यान में इसको सुनाई नहीं आ रहा। उस तरफ से देखे नानू, उधर देख भैया का बच्चा, भैया का बच्चा। अरे लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर, लाइट बंद कर। अरे पकड़ो भैया, पकड़ो उसको, पकड़ो भैया, पकड़ो उसको, अरे पकड़ो उसको केस में। अरे भैया इसमें क्या, ओबे ओबे क्या ये, ओबे 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 ये क्या रक्त है भैया इसपे, ओबे ये क्या रक्त लगा हुआ है। अरे यार भैया सामान पूरा टूट गया, देख लो, देख देख इसमें क्या क्या। अरे दीपक भाई अपन नहीं छुएंगे, अपन नहीं छुएंगे, देखो क्या हुआ। अरे यार पूरा रक्त रक्त से भरा हुआ है ये, देखो उस तरफ भाग गया। ये देखो इंजेक्शन भी है भैया यार, उधर क्या यार भैया इसको छोड़ो, इसको छोड़ो आगे हो, उधर क्या इधर की तरफ लाइट दिखा यार, काटा बहुत ज्यादा है भैया, बड़े भैया इधर हो, उस तरफ देखो धक्का। ओ रे तभी यार क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, देख सारी की सारी रक्त से सनी पड़ी है। अरे इसमें देखो इस वाले में यार ये क्या है भैया, देख अबे काला जादू कर रहा है, पूरा काला जादू। अरे यार क्या है भैया, अगरबत्ती कसू आ रही है यार, भैया अगरबत्ती वहां पे लग रही है, लग रही है वाले में। अरे भैया ओ यार भैया ये ना अभी अगरबत्ती करके गया, अभी उसने अगरबत्ती जलाई थी ना यहाँ पर, खरीद रहा उसने अगरबत्ती, अपन ने जब चुपचाप से बैठा था अपन, बिल्कुल वो काला जादू कर रहा था यार। दीपक भैया हाथ में लगाओ। अरे भैया दूर रहो उससे यार, अरे दूर रहो यार इससे, चलो हाथ में छोड़ दो उसका, हाथ में लगा आज बता इस पूरे यार उसमें रखते हैं यार, रखते हैं यार। क्या हुआ ये, ये देखो ये देखो। अरे नानू बात कर, अपने में छींटे उठ जाएंगे यार, क्यों मेरे को बंदी कर रहा है यार। रतन भैया अभी तक रखते ने, अभी तक रखते हैं, सुनो इसे काला जादू ने दो जनों पे करा है, दो जने बाकी है भैया, पेड़ पे भी कुछ है। अरे पेड़ पे भी कुछ है भैया, यार वो काला जादू कर रहा है, किसी को निकाल दो उसकी सीधे छुए उसको, अबे किसी ऐसी लगा कि है वो। हाँ यार भैया, भैया पेड़ पे क्या है, पेड़ पे तो डंडे से पटक दो ना यार, जरूरी है क्या, तो अपना हाथ ही लगाना है। हाँ। एक निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे, इसको भी निकालो, हट जा बस बस। अरे यार बहुत मजबूत है ये तो, मतलब दो जने बचे हुए, दो जनों को तो कर दिया, दो जनों काम कर दिया, ये दो जने बचे हुए जब काम भाग गया, भाग गया। अरे मेरे को धक्का दे, मैं पीछे भागा था उसके, वो मेरे को धक्का दे करके, मैं जब उसका हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ा था उसने एकदम से मेरे को झटका मारा और मेरा काटा भी चुप गया था एकदम से। ये वो आज अभी तक भरा हुआ है, ये किसी ना किसी का तो लेकर के आया अभी यार, खतरनाक यार ये भैया, ये वास्तव ये सही गिर गया है ना, अभी भी खाली कैमरे में जो ये देखो, ये देखो, ये देखो, सही था। हां ये भरा हुआ देखो इसको, ये पूरा का पूरा इंजेक्शन भरा पड़ा है। नहीं 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 लेना नहीं भैया, हाथ मत लगाओ उसको, अरे हाथ मत लगाओ सुलू भैया, रहने दो, ये देखो अरे पटक दो भाई मेरे इसको, पढ़ दो आप, पढ़ दो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो तो नाग इंसान है यार, कैसा कैसा कंपाउंडर है यार। गया कहाँ भैया वो, तो गया उस तरफ आगे भागा वो, उजाड़ी में गया वो, क्या करे इसको ढूंढने गया उसको इस एरिया के बारे में
एक एक चीज बताए भैया तभी वो इधर उधर रास्ता मेरा सारा मालूम है। मैं ना मेरा पाव है ना उसको पकड़ना है, मेरा पाव में ना दो कांटे चुभ गए लेकिन वो बिल्कुल भागा है। भैया आप इसके पीछे मत भागो, ऐसे एकदम साथ होके सारे पकड़ेंगे उसको, और वो वैसे पागल हो रखा है। अरे वो पीछे कहाँ जा रहे हैं भैया, भैया पीछे कहाँ जा रहे हैं वो? अरे ये तो इधर ही उधर देख ले यार कि इधर की तरफ और कहीं पे तो नहीं करावा इसने। अच्छा अच्छा पकड़े कैसे इसको भैया? ये पकड़ भी नहीं है भैया, ये भाग गया आज। आज तो भाग गया भैया, फुल प्लानिंग करके आना पड़ेगा अपन को, प्लानिंग करके आना, पूरी की पूरी प्लानिंग करके आएंगे अपन यहाँ पर। और खतरनाक वाली है वापस भैया, भैया एक काम करे, रास्ते का मुआयना है इसको। मेरी बात सुनो भैया, वो जिस तरफ गया उस तरफ चले, एक बार हो सकता है कि पागल है वो, इतनी दूर नहीं आ जाएगा शायद। पकड़ते और जिस तरीके से वो चल रहा था ना, उसकी या तो चोट आई हुई, चोट लगी हुई है, फिर चोट आई लगड़ा के भाग रहा था वो, लगड़ा के चलो भैया फटाफट चलो, देर मत करो, उसको पकड़ सकते हैं अभी भैया, देर मत करो फटाफट चलो। अरे भाग तो वो लगड़ा के रहा था लेकिन भाई वो बहुत स्पीड में था, वो उसको पूरा एरिया पता है यहाँ पे, उसको सारा पूरा। भैया कितनी है ये? जिस हिसाब से वो भागा ना, देखो यार ये देखो, ये देखो इतने ऐसे 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 काटा घुसा मेरे पाँव में, लेकिन उसके यार कुछ हुआ नहीं उसको। उसको यार भैया काटा, किसी का डर नहीं है यार, कोई काटे का डर नहीं है भैया, उसको पूरा रास्ता पता है किस तरह भागना है, क्योंकि मैंने उसको देखा भागते हुए, मैंने उसका हाथ तक पकड़ लिया था लेकिन मेरा हाथ छूट गया उसका, उसने सामने की तरफ से भागा भैया। भैया एक बार चलते उधर उधर की तरफ होगा वो। रतन भैया क्या उनको क्या इस तरह से देखी जाए काले जादू की तरह से, उसे फांसी देखे उसे कर रहे, तो भैया मेरा मन करता है इनको इसे यहाँ से निकालो, कोई हाँ, किसी हाँ, इनको आजाद कराओ भैया, किसी का अरे भाई डंडे से तोड़ दो तो डालिया है इनको, डंडे से तोड़ देते हैं यार, तुम बच्चे हो क्या, डंडे तोड़ोगे इसे नुकसान होगा उसको, नहीं उसको फांसी हटाना, उसको फांसी हटाना जरूरी है। भैया सुनो, किसी की आत्मा कैद कर रखी है इसने, इसके अंदर आत्मा कैद कर रखी है, जो होगा देख लेंगे, दिबे हाथ उठाएंगे, बस में कर रखा अपने इसको, गलत नहीं है, नहीं सही है, आप हटाओ उसके, पता नहीं बेचारा वो किसने क्या करेगा यार, कहते मैं पकड़ने को तोड़ लो और इनकी फांसी हटाओ इसकी, गलत पता नहीं इसने क्या क्या कर रखा यार। ये देखो गाइस खतरनाक क्या काम करते हैं, इधर उधर रखो उसको भी यार, वो कैसे लगा हुआ, ये देखो आगे बढ़ जाएंगे रे यार, ये देखो क्या यार, साला नीच लोग होते हैं यार, नीच। हाँ यार देखो बेचारे किन किन की आत्माओं पे, ओहो अब उनको कितनी पीड़ा हो रही है, उनको कितनी पीड़ा हो रही है जिनके साथ इसने ये कहा, भैया इनको भी मुक्त कराओ भैया, देखो दीपू भैया वो नहीं निकल रहा यार, खतरनाक भैया यार, उसको तो निकालो यार, वो पता नहीं किसके साथ क्या करा है यार, ये कील ठोक के कैसे क्या कर रहा है यार, कोई जादू तो नहीं है भैया, कील ठोका है मतलब उस वाले को जिसके इसने करा ना उसको पक्का कोई हानि, उसको पक्का कोई हानि पहुंचेगी, उसको पक्का कोई हानि पहुंचेगी, पहुंचा दिया होगा इसने। आराम से भैया आराम से, ओहो हो गया यार, चलो अपन उसको देखते हैं, घूमते हैं यार भैया, अब इनका क्या करना है, इनको तो रहने दे यार, इनको रहने दो यार भैया, रहने दो इनको, रहने दो लेकिन यार है ना, इनको ले जाना भी सही नहीं, इनको ले जाना भी सही नहीं, लेकिन अपन एक काम करेगा क्या, इनको दफना देते हैं मिट्टी के अंदर भैया, भैया भैया पता नहीं कि ये जिनको टांगा है कौन सा तरीके का जादू टोना कर रखा है इसके ऊपर, क्या उसने काला जंतर मंतर कर रखा है, अपन दफना दे क्या पता मर जाए अगला आदमी, इनके अंदर उनकी आत्मा चली गई हो क्या पता, भैया वश में कर रखा होगा इनको, दफना मत हमारे साथ ले चलो, या तो हाँ सही बोल रहे हैं साथ में ले चलो, अभी बोल रहे हैं यार, ये एक काम करते हैं अपने बाबा के यहाँ रख देते, इसको चल के बाबा के रख देते, बाबा इसका टोना टोट का उतार देंगे, बाबा उपाय बताएंगे कोई ना कोई, तो बाबा क्या रख देंगे इसको चल के, बाबा से उपाय पूछेंगे इसका, लो इनको चार ही थी ना यहाँ पर, हाँ चार थी, कलो ये पकड़ ले कानु, लो इसको लो यार, बे चारों को संभाल के रखना उनको कहीं नुकसान नहीं पहुंचे, हाँ एक साथ ले लो इनको चारों को, लो रे तुम टोट लो, दीपक भी अपन यहाँ वापस आएंगे अगर पब्लिक बोलेगी तो अपन को, हाँ पब्लिक बोलेगी तो इसको फिर खुलासा करेंगे यार, इसको पकड़ना जरूरी है क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए, इसकी टांग कटी हुई है देख, नहीं ये देखो, हाँ भैया इसका मतलब जो पेड़ पे है वो ज्यादा घायल है, वो ज्यादा घायल है, उसे कर दिया काला जादू पूरा, चलो यार भैया चलते हैं,
भाई एक काम करते, सुनो सुनो हा? एक बार उस रास्ते पे चल के देखते हैं, क्या पता वहाँ मिल जाए अपन को। चलो, चलो तो हम उसे पकड़ लेंगे अपन उधर ही। चलो भी आगे की तरफ भागा था भैया, इस तरफ। हाँ उस तरफ से गया था भैया, उधर गया क्या? उस तरफ से होता उस तरफ नहीं पड़ रहा है वो, किस तरफ भागा था? क्योंकि रास्ते नहीं, अपन कंफ्यूज हो रहे हैं यार भैया, किधर चल गया वो भैया? देखो मैं बताऊं, सुनो भैया, ये झाड़ियां ना इधर नहीं थी, उधर की तरफ ज्यादा ज्यादा कांटे वाली झाड़ियां थी मेरे उधर। पाओ उधर, उधर से भागते ही चुपा था भैया, मेरे को लग रहा है वो डर गया, वो डर गया, वो निकल गया, निकल गया यार, मेरे को यही लग रहा है निकल गया भैया वो, निकल गया यार। ये क्या ना, इसको यार ये वाला है वो वाला रास्ता है मेरे भैया, मेरी बात सुनो भैया, वही जैसे लग रहे हैं, मेरी बात सुनो। देखो वो पागल आदमी है, पागल कंपाउंडर है, साइको कंपाउंडर, तो वो टोने टोके करने यहाँ दोबारा जरूर आएगा। और अपन अपन अभी जिस समय पे आए इसी समय पे अपन कल दोबारा आएंगे, पब्लिक क्या कहने पे, अगर पब्लिक कमेंट करके बताएगी। टाइम तो बताओ, 12 के आसपास हो जाएगी भैया, 12 गूगल टाइम दिखाना तेरे मोबाइल में, मेरे हाथ भरे पड़े हैं यार भैया। 12 बजने में 10 मिनट है अभी, ये बार दिखाई देते पब्लिक को भी यार। गाइस देखिए, ये देखिए 11:50 हो रहे हैं, अपन भैया पब्लिक के कहने पे वापस आएंगे, अगर पब्लिक कमेंट करेगी तो अपन यहाँ वापस आएंगे और उसको उसी टाइम पे पकड़ेंगे, क्योंकि वो यार कल भी इसी टाइम पे मिलेगा, कपड़े भी भर गए यार भैया। अपन यहाँ से चलो पहले, चलो अपन चलते हैं, अपन चलो भैया, अपन के इधर से चले भैया इस रास्ते भैया, यहाँ से ना सीधा ना बाबा के यहाँ चलेंगे यार। चलो ठीक है, हाँ, बाबा के वहाँ चलते हैं, उनके भैया उनके आश्रम में अपने को हाँ, इनको छोड़ के फिर उनको उसी का उन्हीं का आश्रम में रखना पड़ेगा बिल्कुल से। अरे भैया 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 सुनो, अरे अपन उसको सारा सामान लेके जा रहे, उसका वो मेन थैला तो लेके चलो, गए जिसमें उसका सारा टोटके का सामान है, क्या पता उसके अंदर और भी दो चार ऐसे मिल जाए अपन को, देखते हैं थैला ढूंढो किधर है, उधर से अपन उधर गए थे, अपन उधर गए थे शायद, देख थैला है ना, या तो इधर था या उधर था। अगर इधर यार मेरे को ना रास्ता मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, इधर से नहीं है भाई, नहीं नहीं वो रहा ये थैला उठा लेना, ये थैला ले चल, ताकि पब्लिक को भी पता पड़े क्या है इसमें, और सब है देख, कीले पड़ी है, हथौड़ी पड़ी है, अगरबत्ती, सिंदूर वगैरह, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है, ये तो पूरा खतरनाक जानकार है भैया यार। भैया सही में यार दिख भी नहीं रहा आसपास अपन को, यार पब्लिक को दिखाऊं क्या सामान है, ये क्या है, अगरबत्ती, हथौड़ी, भैया इंजेक्शन या हॉस्पिटल से लेके आया लगता चोरी करके, हाँ वहाँ से लेके आया, ये पानी की बोतल, इसको सारे थैले में डाल भैया, इसको भी थैले में डाल दो, वही कर रहा हूँ भैया, इन सबको थैले में डाल दो भैया। और अपन एक काम करेंगे, सुनो सुनो, अपन बाबा से बात करेंगे, ये सारा सामान बाबा को पकड़ेंगे अपन, और बाबा क्या कहेंगे उसे ऐसे अपन देखेंगे। एक थोड़ा ध्यान रखियो, कोई वो सुई वो नहीं चुप जाए यार, नहीं नहीं डाल दूंगा, ले हां ये भी सुन रहा हूं, भैया ये पेड़ है ना पूरा कांटे वाला है यार, ये और अनुपजाऊ है, क्योंकि इस पेड़ पे ना तो कोई फल है ना कोई कुछ भी नहीं है इस पे, वह खतरनाक जगह से चलो यार, गंद बहुत अलग से यार, मेरा सर घूम रहा है भैया, लेकिन अगर वो अपने हाथ में आ जाता ना तो आज उसका खात्मा हो जाता। अरे भाग गया वो, अरे उसकी किस्मत बढ़िया है यार, वो भाग गया अपने हाथ से निकल गया वो भैया, अगली बार है ना
अपन के कम संख्या में आए, अगली बार ज्यादा संख्या में आके उसको चारों तरफ से घेरा देके फिर पकड़ेंगे उसको। लेकिन भैया अपन को ना एक चीज का ध्यान रखना है, अपन ने ये बात हॉस्पिटल में किसी को नहीं बताएंगे। नहीं 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 हॉस्पिटल में नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या है भैया हॉस्पिटल में क्या अपन को अभी ये बात किसी को भी नहीं बतानी। नहीं किसी को कुछ नहीं, हॉस्पिटल में बताते हैं क्या वो अचेत हो जाएगा, फालतू में किसी कहीं पर अचेत हो जाएगा वो हॉस्पिटल में पता पड़ गई तो बात ही है। बिल्कुल सही बात है, जब तक इसका खुलासा नहीं है जब तक किसी को बताना नहीं है। बहुत लोगों के जान के लिए हानिकारक है ये। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि हम यहाँ दोबारा आए और उसको पकड़ने की कोशिश करें। दीपक भैया तो गाइस हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ऐसी खतरनाक खतरनाक लोकेशंस पे जाकर के किसी की जान बचाना या कुछ भी काम करते हैं, लेकिन कुछ तो करते ही हैं, लेकिन कुछ तो मेहनत होती है हमारी। तो कम से कम इस मेहनत के नाते हमारे जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो क्या है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि ऐसी भी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पे ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो का पता पड़े और क्या होगा उसका ही पता पड़े। चलो अभी अपन चलते हैं।